गली के नुक्कड़ पे क्यों बुला रहे हो, यहीं से लेकर जाओ ना। वो चवल का बच्चा कहता है कि मैंने बिट्टो से नहीं मानो से ब्याह करना है। बिट्टू आपा वाले रिश्ते से इनकार हो गया है। अरे सोचो कल को मुझे कुछ हो गया, कौन उसका वाली वारिस होगा बेटा। नहीं, तुम पसंद आ गए हो हमारे होने वाले फूफा साहब को, खाओ मेरे सर की कसम। खामोशी से निकाह पढ़वा दे, थोड़ा बहुत शोर मचाएंगे लेकिन बाद में सब कुछ सेटल हो जाएगा। अतुल को छोड़े मानो की करा दे। मैं तब तक नहीं उठूंगा अतुल जब तक मैं ये तुम्हें रिंग ना पहना। आपका निकाह है आज कुक्कू मामू के साथ। मेरा निकाह कबीर के साथ? माँ जी आपको कितनी बार कहूँ, आपकी इन्हीं बातों से ना मैं बड़ी हर्ट होती हूँ। बिट्टो मेरी लिटिल लिटिल सिस्टर है, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी बाय गॉड। अच्छा अच्छा ठीक है, जाती हूँ तन्नो से मशवरा करने। मुनीर जी कह रहे थे बिट्टो को निकाह पे बड़ी गाड़ी देंगे। हाँ और मैंने तो सोचा है 1.5 तोले का कड़ा पहनाऊंगी मैं। हाँ शड़ीके सरे। हाँ ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। भी अम्मा बिट्टू आपा वाले रिश्ते से इनकार हो गया है। सुनो गली के नुक्कड़ पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाना। क्यों डर लग रहा है? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा तो फिर गली के नुक्कड़ पे क्यों बुला रहे हो, यहीं से लेकर जाओ ना। ऐसी बात है तो चलो। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ मेरा हाथ। कहा था ना चैलेंज मत किया करो, अब चलो। अम्मी क्या हो गया, मेरा क्या कसूर है? ना तुझे किसने कहा था मानो कि छमक छलो बांध के उनके सामने आ जा। अम्मी आप भी हद करती हैं, उसे तस्वीर में देखकर पसंद किया है मुझे, घर थोड़ी आया था वो। हाथ लगे मेरे वो, ऐसा मुंह तोड़ूंगी ना उसका। रहने दे तू, है अभी तो उन्होंने हमारे मुंह बंद कराए हुए हैं, टूटी कुज्जी जैसा मुंह बना के सारे खुले लाइन लगे हुए। वैसे बेचारी बिट्टू आपा पे क्या गुजर रही होगी। रहने दे उसके ऊपर कुछ नहीं गुजरी, बड़ी ढीट है वो, परोठे खा रही है चाय में डुबो डुबो के। तुम पसंद आ गई हो हमारे होने वाले फूफा साहब को, खाओ मेरे सर की कसम। क्यों मेरे सर पे सींग लगे, ये कांटे लगे मुझ में जो मैं किसी को पसंद नहीं आ सकती। तुम यानी कि तुम पसंद आ गए। इसमें हंसने की क्या बात है? हंसी मुझे ना हमारे होने वाले फूफा साहब के टेस्ट पे आ रही है, अंधे तो नहीं है कहीं। अच्छा यार मजाक था यार, बैठो वापस गाड़ी में। अरे सोचो कल को मुझे कुछ हो गया, कौन उसका वाली वारिस होगा बेटा। मैं हैं? अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो दीवारें चीन से भी ज्यादा बुलंद है तुम्हारी बहन की नफरत की दीवार। बुरा मत मानिएगा बमिया, मेरे मोहब्बत की माउंट एवरेस्ट से बड़ी नहीं है उनकी नफरत की दीवार। अरे कुक्कू मामू अफसोस की बात तो यह है कि हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। इतना तो कर सकते हैं कि किसी मस्जिद में हम दोनों के निकाह ही पढ़वा दे खामोशी से प्लीज। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? आप एक दफा ठंडे दिल से सोचिए तो सही प्लीज। अरे यार बच्चों से पूछे बगैर मैं इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। छोड़ दे उन सबको अब्बा, मैं अपनी दुश्मनियां निभाते हुए उन्होंने आपसे कभी पूछा है और आप अपनी बेटी का घर बसाने के लिए उनकी तरफ जा रहे हैं। माजरत के साथ उनके किबले कभी दुरुस्त नहीं होंगे जिंदगी भर। आदाब अर्ज़ है। बहुत फजूल हो तुम इसे। अच्छा यार अब नहीं हंसूंगा, लेकिन बताओ तो सही उसके बाद क्या हुआ घर में? किसके बाद? तुम्हें जब पसंद कर लिया था लोगों ने। बिट्टू आपा के अलावा सब शदीद गम में, और अब मुझे नहीं पता वहां क्या हो रहा होगा। अब्बा मियां मैंने आपको कहा था ना जब भी अल्लाह देता है छपर फाड़ के ही देता है। ऐसा कौन सा कारून का खजाना दिया है? अब्बा मियां वो ना हमारी बेटों के लिए जकिया खाला ने इतना अच्छा रिश्ता बताया, इतना अच्छा रिश्ता बताया, अल्लाह की करनी देखे हैं। आज ही एक इसका रिश्ता टूटा है और दूसरा अम की तरह हमारी गोद में आगे गिर गया है। अच्छा इस अम का कोई हदूद दरमा है, जरा रोशनी तो डाले। लड़का जो है ना वो मर्चेंट ऑफिसर है। अच्छा इसलिए बहनों ने शादी में इंटरेस्ट ही नहीं लिया, जरा एज क्या होगी उसकी? अब्बा जी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, बस ये 50-55 के दरमियान है। पहली शादी है उसकी? नहीं नहीं अब्बा जी, यकीन है दूसरी शादी होगी, पहली बीवी का इंतकाल हो गया होगा। खैर से कितने बच्चे उसके? अब्बा जी 3 है बच्चे, सब छोटे छोटे हैं, कॉलेज स्टूडेंट है। ओ ये तो बहुत ही अच्छी बात हो, पालने का झंझट ही मुक गया। पहली बीवी मर गई थी या छोड़ दिया था उसने? नहीं नहीं अब्बा जी छोड़ के तो दूसरी वाली गई थी, शायद बच्चों की वजह से चली गई है, मरी पहली वाली थी। वाह तीसरी शादी 3 बच्चे हैं, ये तो बतूर की लॉटरी लग गई। क्यों अब्बा मियां?
मम्मी बात तो ये मेरे घर से जाती अच्छा खासा रिश्ता कैसे टपक पड़ा? वाकई बहुत अच्छा खासा है, 3 बच्चों का 55 साल बाप है जो तीसरी शादी करना चाह रहा है मुझसे। क्या दिमाग तो खराब नहीं है उसका? आहिस्ता बोलो, तन्नो भाभी ना सुन ले। उनसे तो मैं भी जाके पूछती हूँ। नहीं मानो, प्लीज मत जाना, छोड़ो ना, चलो तुम रहने दो, चलो। कम से कम बी अम्मा को तो शामिल कर लेते इस प्लान में। तुम्हारा ख्याल है वो मान जाती? ये कोई छोटी बात नहीं है अब्बा मियां। अरे यार जैसी तन्नो की बातें सुन सुन के ना दिमाग मेरा खराब हो चुका है, चुप कर जाओ। क्यों टेंशन ले रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसे ठीक होगा? अब्बा मियां निकाह खान से बात हो गई मेरी, मगरिब के बाद का टाइम दिया। बतूर से तो कोई पूछ ले एक बार। फराज भाई कम से कम भाभी को तो बता दें, एक निकाह होने जा रहे, कहीं दूसरा टूटी ना जाए। तुम्हें बता दिया ना, इतना काफी है। यार तुम्हें कहा था इसको बीच में शामिल मत करो। इसी के दोस्त के घर पे तो निकाह हो रहा है, तुम अपनी जबान कंट्रोल में नहीं रख सकते। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगा गौहर से। मानो फोन कर अपने मामे को, पता करा दोपहर से किसका मामा बन के बैठा हुआ घर से बाहर। आप खुद क्यों नहीं पूछ लेती अम्मी? क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। खैर दुश्मनी तो आप कर रही हैं, आपको जेब देता था कि इस तरह का रिश्ता आप अब्बा मियां से डिस्कस करें। लो तुझे भी पट्टी पढ़ा दी बिट्टो ने। भाभी आप क्यों दूसरों का गुस्सा मुझ पे उतार रही हैं? बताओ मानो क्या कहा है मैंने तुमसे? अम्मी बिट्टो आपा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पीछे ही पड़ गई हैं आप इनके। इसकी वजह से कुकू ने आज जिंदगी में पहली मरतबा मेरे साथ बदतमीजी की है। उसने तो जरा सी बदतमीजी की है, और आप जो पूरी जिंदगी दांव पर लगा रही हैं मेरी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। ना कौन सी मैं जिंदगी दांव पर लगाने लग गई हूँ तेरी, है जगह जगह तेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही हूँ जो तुम लोगों की लंबी नाक के नीचे पूरे ही नहीं आ रहे हैं। आप अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे ऐसे? चुप कर, तू ना ज्यादा जबान चलाया कर मानो, तेरे और इसके हालात में बहुत फर्क है। हैं तू इतनी पढ़ी लिखी है, यूनिवर्सिटी जाती है, ये तो इतना पढ़ी भी नहीं है, ऊपर से इसकी मंगनी भी टूटी हुई है। भाभी फर्क सिर्फ दिलों में होता है, और आपने तो हमेशा से बुक्स पाला हुआ है मेरे साथ। अच्छा चलो मैंने पाल लिया तुझसे बुगज। दूसरी भाभी के बारे में क्या ख्याल है? सलीका चेहती जो तेरी है, उसने कौन से तेरे लिए रिश्तों की लाइनें लगा दी है? ये किसका घर है, यहाँ क्यों आए हम? आपका निकाह है आज कुकु मामू के साथ। मेरा निकाह कबीर के साथ? अब्बा मियां की रजामंदी के साथ हो रही है। दिमाग तो नहीं चल गया तुम सबका? इन हालात में यही बेस्ट है। तन्नो भाभी मेरा खून पी जाएंगी, और मैं अम्मा की रजामंदी के बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। चलो वापस। अरे अम्मा को बीच में नहीं डाल सकते ना, समझने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ जी पहुंच गई मेरी सवारी। आप लोगों के पास 10 मिनट है, अपनी सवारी को खुद कन्विंस करें, निकाह आने वाला है। बतूल तुम्हें जो भी सिक्योरिटी लिखवानी हो ना लिखवा लो, मैं साइन कर दूंगा। मुझे ऐसे छुपके निकाह नहीं करना। निकाह तो आज ही होगा, और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो इनकार नहीं करोगी। ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? जो भी हो, 5 साल पहले मैं भागा था, अब तुम्हें नहीं भागने दूंगा। बतू वो हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। लेकिन 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 छट बतू, ट्रस्ट मी। हाँ निकाह के बाद तो गिफ्ट बनता ही है ना। अच्छा चलें जल्दी करें ना, मुझे देर हो रही है, घर भी जाना है। अब तुम्हारा घर वही है जहाँ मैं हूँ। सबसे बड़ा पागल मैंने इस दुनिया में नहीं देखा, चलें। बतूल मोहब्बत चीज ही ऐसी है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा बतूल, ऐसे लग रहा ख्वाब देख रहा। अच्छा हम रुक क्यों गए हैं, चलें। अब तो ये कदम तभी चलेंगे जब मैं तुम्हें रिंग पहनाऊंगा। वो मैं खुद ही पहन लूंगी, गाड़ी में बैठ के भी चलें, देर हो रही है। बतूल तुमसे अनरोमांटिक कोई भी नहीं होगा। हाँ वो आ रहा है, और 2 मिनट से कूटू दे दो यार, आ रहा हूं। तो सारा जमाना ही जालिम समाज हो चुका है। मैं तब तक नहीं उठूंगा अब्दुल जब तक मैं ये तुम्हें रिंग ना पहनाऊं। अच्छा जल्दी करो पहना।
हूँ।